गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। मनोज राय हत्याकांड में आया नया मोड़, मुख्तार के सह आरोपी की याचिका पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगियों पर गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में पुलिस की चार्जशीट के बाद आरोप तय होने की कार्यवाही चल रही है, जिसमें आज बहस होनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी सरफराज मुन्नी की तरफ से एडजॉइनमेंट स्थगन की एक याचिका आज जज साहब के समक्ष दी गई और उन्होंने जज के सामने गुहार लगाया है कि इस वारदात में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, जबकि पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी अफरोज जफर चंदा के साथ 10 लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में आज मुख्तार समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन अदालती दांव पेंच के चलते सरफराज मुन्नी के स्थगन याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई कर अगली तारीख 20 नवंबर डाली है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि जुलाई 2001 में उसरी चट्टी कांड हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह और उनके सहयोगियों के ऊपर मोहम्मदाबाद कोतवाली में FIR कराई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर एक सहयोगी और एक अज्ञात शख्स की मौत हुई थी, जिसमें तीसरा अज्ञात शख्स हमलावर बताया गया था, जिसकी शिनाख्त मनोज राय निवासी बक्सर बिहार के रूप में हुई थी, जिसमें बाद में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने भी घर से मनोज राय को मुख्तार अंसारी द्वारा इस घटना से एक दिन पहले बुलाकर मार देने का आरोप लगाया है, जिसमें एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर में यह मुकदमा चल रहा है और आगामी 20 नवंबर को इसमें जज साहब मामले को सुनकर आरोप तय करने की कार्यवाही करेंगे। हत्याकांड की तारीख थी, क्या था मामला और क्या हुआ आज कर रहे हैं? सन 2001 में उसी चट्टी पर मनोज राय की हत्या हुई थी और उसी के संदर्भ में मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने एक अपराध संख्या 23/23 थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद में पंजीकृत कराया था। उसी के संदर्भ में आरोप के विचरण हेतु पत्रावली नियत थी, परंतु सरफराज और मुन्नी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 227 CRPC में इस आशय के दिया था कि उसे चार्ज से बरी किया जाए और उसी पर आज सुनवाई है, तो तारीख नियत थी, परंतु अभियुक्त सरफराज और मुन्नी की तरफ से एडजमेंट आने के कारण आज कार्रवाई नहीं हो सकी और पत्रावली 20 तारीख को वास्ते सुनवाई नियत है। अब इसमें क्या होना है वकील साहब? इसमें उनके प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना है, निस्तारण के बाद फिर जैसा कोर्ट का आदेश होगा तो कार्रवाई होगी। तो इसमें आरोप जो है क्या अगली तारीख पर लगता है तय हो जाएगा? आरोप के लिए अगली तारीख पर ये इनका प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल होने के बाद आरोप के लिए तारीख लगेगी।